सो ऑल राइट गाइज, व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज टू माई, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को इस चैनल के बारे कुछ ऐसा अपडेट देने वाला हूँ, और गाइज उसके साथ साथ मैं गाइज इस वीडियो में आज आपको कुछ ऐसा बोनस पॉइंट दूंगा, जो कि गाइज आप लोगों को फ्लिप्स प्रैक्टिस के दौरान उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपका फ्लिप्स और जल्दी से और इजीली आप फ्लिप्स को सीख सकते हो। तो चलिए गाइज वीडियो करते स्टार्ट, लेट गेट स्टार्टेड। अपडेट कुछ ऐसा है कि मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ एक फ्लिप्स का पूरा कोर्स, जो कि बिल्कुल फ्री होगा। मैं गाइस आप सभी लोगों को पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सारा फ्लिप्स एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। ऐसा नहीं होगा कि मैं आज किकअप का ट्यूटोरियल डाल रहा हूँ और कल मैं चीट गेनर का ट्यूटोरियल डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। मैं गाइस एकदम स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कि आपको सबसे पहले, अगर आप बिगेनर हो तो आपको सबसे पहले कौन से चीजों से स्टार्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद कौन सा सीखना पड़ेगा, उसके बाद कौन सा सीखना पड़ेगा, ऐसे करके एकदम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। जैसे कि गाइस अगर मैं आज चीट गेनर का ट्यूटोरियल डालता हूँ तो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा क्रॉस क्यू के ऊपर। तो गाइस ऐसे कुछ कनेक्ट रहेगा, मतलब हर वीडियोस के साथ हर वीडियो कनेक्टेड रहेगा। जिस जगह पर गाइस आपका लेवल है, आप उसी जगह से इस सीरीज को पकड़ सकते हो। जैसे कि मानो आज मैंने किकअप का ट्यूटोरियल बनाया और आपको गाइस किकअप आता है, तो गाइस आप उस वीडियो को मत देखना, ठीक है। ऐसे करते करते जब हम लेवल अप करेंगे, मानो ऐसे करते करते हम लोग चीट गेनर के ट्यूटोरियल पर गए और चीट गेनर आपको नहीं आता, तो गाइस आप उस वीडियो से इस सीरीज को पकड़ सकते हो। इसका पूरा एक प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, हर वीडियो बनाऊंगा और उसके साथ साथ वीडियो प्लेलिस्ट पर ऐड होते जाएंगे। आप गाइस मेरे चैनल पर जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा फ्लिप्स कोर्स के नाम पर। उस प्लेलिस्ट को अगर आप प्ले करोगे तो आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिल जाएगा, हर एक फ्लिप के बाद हर एक फ्लिप का ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। तो ये चीज गाइस नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सबसे पहले एकदम बिगिनर लेवल का वीडियो देने वाला हूँ कि अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको कोई भी फ्लिप नहीं आता है, तो आपको फ्लिप्स किस तरीके से स्टार्ट करना है, उसके बाद धीरे धीरे आर्च, हैंड स्टैंड, मतलब जितने भी धीरे धीरे किकअप, फ्रंट हैंड स्प्रिंग, वेब स्टार, साइड फ्लिप, फ्रंट फ्लिप, जितने भी फ्लिप्स है धीरे धीरे एकदम हम लोग लेवल अप करते जाएंगे इस तरीके से। और गाइस हम लोग साथ में फ्लिप्स को सीखने वाले हैं। और गाइस अगर आपको फ्लिप्स को सीखने में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है, तो आप एक काम करना, जो तरीका मैं बताऊंगा, जो स्टेप मैं बताऊंगा, उन चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और गाइस आपको प्रैक्टिस के टाइम अपने वीडियो को बनाना है, अपने वीडियो को आप मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो, या फिर मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप मुझे अपना वीडियो भेज सकते हो, जहाँ पर कि मैं देख कर बताऊँगा कि आपका क्या गलती हो रहा है, एंड कोई भी ट्रिक्स वगैरह होगा तो मैं आपको बता पाऊंगा कि ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो गाइस ये चीज़ बहुत जल्दी होने वाला है, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो गाइस अब आते हैं अपना बोनस पॉइंट की तरफ, जो कि आपको फ्लिप्स प्रैक्टिस के दौरान ध्यान में रखना है। तो गाइस पॉइंट नंबर 1, वार्म अप ना करना। सो गाइस बहुत सारे लोग करते क्या है, फ्लिप्स करते टाइम वो लोग वार्म अप बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो गाइस आपको ऐसा नहीं करना है, इससे गाइस आपका फ्लिप्स सीखने में बहुत टाइम लगेगा और गाइस यहाँ से आपका इंजुरी भी हो सकता है। बस वैसे आपको नहीं करना है, बहुत रिस्की चीज़ है ये, आपको गाइस स्टेप बाय स्टेप करना है, धीरे धीरे करना है। आपको गाइस सबसे पहले वार्म अप करना है, उसके बाद जो बेसिक एक्सरसाइज होता है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ करना है बिगिनर लेवल पर, वो वीडियो आप देखोगे तो समझ जाओगे। तो गाइस अब आते हैं अपना पॉइंट नंबर 2, इस डेली प्रैक्टिस ना करना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि एक दिन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद 2 दिन फिर गायब हो जाते हैं, फिर 2 दिन प्रैक्टिस करते हैं, 1 दिन गायब। इस तरीके से अगर आप बिगिनर्स लेवल पर प्रैक्टिस करोगे तो गाइस आप कभी फ्लिप्स को अच्छे तरीके से एंड जल्दी नहीं सीख पाओगे, जो भी चीज़ आप सीखोगे वो फिर से भूल जाओगे, ऐसे आपको नहीं करना है। आपको गाइस इन सब चीज़ों को डेली प्रैक्टिस करना है, तभी आप फ्लिप्स को अच्छे तरीके से एंड बहुत क्लीन तरीके से एंड इजी तरीके से इसको सीख सकते हो। तो गाइस आपको डेली प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। तो गाइस अब आते हैं अपना पॉइंट नंबर 3, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि भाई मैं फ्लिप्स करता हूँ, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं करते, और भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मैं यूट्यूब करता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, ऐसा वगैरह, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ फ्लिप्स करते करते, तो इस स्टेज पर हम लोग क्या कर सकते हैं। तो गाइस देखो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। तो गाइस इसका सलूशन आप लोग अगर चाहिए तो गाइस यहाँ पर एक वीडियो मिल रहा होगा, इस वाले वीडियो पर क्लिक करके देख लो, बहुत कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है गाइस। बाकी आज का वीडियो इतना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टीज आउट।